Now, Honorable CM may reply. Honorable Deputy Speaker, sir. जो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो टेप हुआ है उसका बारे में कई सारा मेंबर्स लोग ने पार्टिसिपेट किया, श्री कर्दो निग्योर जी, गोबर बसेर जी, न्यामर करबक जी, केंतो रीना जी, केंतो जिनी जी, गैब्रियल डी वांगसू, कलिंग मोयंग जी और निनोंग रिंग जी। इस ये जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्ट्री है आप सबको पता है और बहुत सारा मेंबर्स लोग ने भी डिस्कशन करते वक्त इसका हिस्ट्री में भी टच किया है। जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी साल पहले क्रिएट किया गया था, आई थिंक इट वाज इन द ईयर 2013। जब 2013 में जब डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल सदन में जो पेश हुआ तो वहाँ पे चार डिस्ट्रिक्ट एक साथ यहाँ पे पास हुआ था, जिसमें करादादी डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो 2013 में, क्योंकि उस वक्त में मैं भी एक मिनिस्टर था, तो उस वक्त में जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें मैं भी एक विटनेस रहा, मैं भी सारा डिस्कशन को सुना, सारा एक डिस्कशन को लेके। तो बाय एंड लार्ज बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, केवल लोअर सियांग को लेके, क्योंकि ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है उस वक्त में एक ही बिल फॉर्म में आया था। तो अभी लोअर सियांग के कारण से फिर बाकी तीन डिस्ट्रिक्ट अगर पास नहीं किया जाएगा 2013 में तो वो तीनों डिस्ट्रिक्ट भी छूट जाता था। इसलिए दी देन चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि इन चारों को पास कर दीजिए, प्रोवाइडेड जो लोअर सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो तक सोल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन शेल नॉट बी इश्यूड, ये कंडीशन में इस चारों डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट हो गया था। तो तब से लेके अभी तक जो खास करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो इश्यूज़ चल रहा है, काफ़ी सारा इश्यूज़ हुआ है। यही नहीं बल्कि ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट जो पास किया है एक्सेप्ट फॉर नामसाई, नामसाई का इसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं आया। करादादी में भी हम लोग ने लास्ट सेजन में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जमीन से लेके पाली पालिन में शिफ्ट, पालिन में हम लोग शिफ्ट किया था, और सियांग में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके काफ़ी प्रॉब्लम चला, तो उसको भी हम लोग ने काफ़ी सूझबूझ के साथ में, बहुत कंसल्टेशन का साथ में वहाँ पे हम लोग ने सोल्व करके दे दिया। काफ़ी बोलेंग और ये पंगिन के बीच में काफ़ी उसमें तनाव चल रहा था, तो उसको भी हम लोग ने सोल्व कर दिया। तो अभी रह गया लोअर सियांग, लोअर सियांग भी है वो हमारा टाइम में क्रिएट किया गया नहीं है डिस्ट्रिक्ट, ये पुराना डिस्ट्रिक्ट 2013 में जैसे मैंने बोला उसमें क्रिएट किया गया था। मैं ज़रूर उस वक्त में एक मिनिस्टर तो था, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके तो काफ़ी चर्चा हुआ, इसके बाद हुआ नहीं। तो इसको रिजोल्व करने के लिए 2014 में शायद दी देन अपना यहाँ एक सीनियर ऑफिसर था धर्मेंद्र शर्मा, उसका भी एक कमिटी कंस्टिट्यूट किया था, तो वो कमिटी भी जाके विजिट किया, उसका रिपोर्ट भी सबमिट किया। इसके बाद भी काफ़ी क्लैशेस हुआ वहाँ पे हेडक्वार्टर को लेके, वो बसर थोड़ी देर पहले न्यामर जी ने जो यहाँ पे जिक्र किया कि बसर वाला बोलता है कि लोअर सियांग का बसर में होना चाहिए, फिर बाकी लोग बोलते हैं कि उसको वहाँ पे लिखावाली का वहाँ पे होना चाहिए, तो इस कारण से वो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा फिर ये सोल्व हो नहीं पाया। ओवर द टाइम मैंने सोचा कि इसको सोल्व करके देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम उस एरिया में जो इनहेबिटेड पूरा अपना गालोस लोग ही है वहाँ पे, मैक्सिमम अपना आदि भी है लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी अगर ट्राइब वाइज देखा जाए तो गालो भी है, तो आपस में ही झगड़ा, इतना झगड़ा उन लोगों का एक दूसरे को हो रहा था। तो मैं कहा कि आप लोगों को इसको हम अभी सोल्व करके देंगे। उस दौरान हमने हमारा टेन्योर में जो हमने चार डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, आउट ऑफ विच लेपराजादा वॉज वन ऑफ देम, तो जिसमें बसर में अभी हेडक्वार्टर करके लेपराजा डिस्ट्रिक्ट अच्छा से फंक्शन हो रहा है। अभी जब इसका जब फिर अभी सोल्व करने में आ गया तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम आते रहा। तो हमारा टाइम में फिर हमने सबसे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का टीम हमने फॉर्म किया था, वो आई थिंक 2019 इलेक्शन से पहले। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अभी का अपना कलीग कमलू मोसंग जी है,
हमारा बामांग फिलिप्स जी था, अभी एक हमारा और एक मिनिस्टर था वो, लेकिन 19 में तो वो हार गया था इलेक्शन। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी वहाँ जाके लोगों को मिला भी है, जो खास करके जो 3 गांव है वहाँ में लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ। जो देपी, देपमोली और देतक, तो ये 3 गांव में हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कोई भी हिंड्रेंस नहीं आया। वहाँ में लोगों का व्यूज़ वगैरह पूछा, तो वहाँ में ये 3 का गांव का व्यूज़ ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोगों को ईस्ट सियांग में ही हम लोगों का ठीक है। अकॉर्डिंगली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन भी इस प्रकार से ही आया कैबिनेट में। और उसके बाद ये 3 का मीटिंग होने के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फिर आगे कोरांग सर्कल के लिए जब निकला, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो गया। तो फिर वहाँ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अचानक लौटना पड़ा। फिर ये मैटर को कैबिनेट में फिर लेके आया, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि पुराना जितने भी जो वैक्स इशू है उसको हम लोग सोल्यूशन में लेके आना है। अभी जो बीमारी को जल्दी आप ठीक नहीं करने से वो बीमारी जो है बाद में धीरे धीरे वो कैंसर में जाके बदल जाता है। तो मैं चाहता था कि इसको जो भी हो इसको सोल्व करना ज़रूरी है, इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट भी कैबिनेट में लेके हम लोग ने चर्चा किया। तो उसमें क्लियरली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन था कि ये 3 गांव को आप ईस्ट सियांग में दे दीजिए, उसके बाद बाकी जो जुरिस्डिक्शन जो है उसको फिर दोबारा हम लोग कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद तो फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद फिर वहाँ के लोग और सभी लोग ने फिर हमको रिक्वेस्ट किया कि इसको जल्दी डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंटमेंट ये डेट देना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट को फुल फ्लेज्ड फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके भी विद इन लोअर सियांग में काफ़ी वहाँ पे डिमांड था, कोई कोई जगह एक्स में बोलता है, कोई जगह ए में बोलता है, इस प्रकार से करके 2-3 जगह का वहाँ पे खींचातानी हो रहा था। तो मैंने कहा कि एक बार ठीक है डीसी साहब खुद अपना एक कमेटी बन के वहाँ पे एक बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ होना है एक बार देख लो, इन मीन टाइम हम लोग भी गवर्नमेंट लेवल में फिर हम लोग भी चर्चा करके देख लेंगे। तो दी दिन डिप्टी कमिश्नर ने भी अपना 2-3 जगह विजिट करके वो अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया। इसके बाद फिर हम लोगों को जो मेन जो इशू था वो जो कोरा सर्कल में, तो कोरा सर्कल को सोल्व करने के लिए फिर हम लोग ने एक टू कमिटी बनाया। वो कमिटी अपना हागे तारी साहब के साथ में 2 ऑफिसर के साथ में हम लोग कमिटी बना के यहाँ से भेजा। भेजने के बाद उनको क्लियरली कहा कि एक्चुअली कोरा सर्कल के लोग जो 5 जो गांव है वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का फीलिंग क्या है, वो लोग लोअर सियांग में बैठना चाहेगा ना ईस्ट सियांग में बैठना चाहता है, उसका प्रॉपर आप पब्लिक हियरिंग करके आप वेरी ट्रांसपेरेंट वे में करके लेके आना, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने बना के वहाँ पे भेजा। तो भेजने के बाद हागेतारी कमिटी ने 17 फरवरी 2021 को होल्डिंग ऑफ पब्लिक हियरिंग का नोटिस जारी किया, और उन्होंने फरवरी में ही फिक्स कर दिया कि इसका पब्लिक हियरिंग जो है वो अगस्त में होगा, 17 अगस्त। फरवरी महीना में ही ऑलरेडी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि अगस्त में हम लोग आएंगे, 17 अगस्त को कमिटी आके आप लोगों का पूरा हम लोग पब्लिक हियरिंग करेंगे, और आप लोगों का एक पूरा एक फॉर्म भी बनाया वो लोग ने कि कौन सा हेड ऑफ हाउस होल्ड कौन है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे विलिंगनेस टू स्टे इधर इन ईस्ट सियांग और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो इस प्रकार का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी बना के प्रॉपर वहाँ में जाके कमिटी ने बहुत ट्रांसपेरेंटली विद वीडियोग्राफ एविडेंस के साथ में पब्लिक हियरिंग हुआ वहाँ पे, और पब्लिक हियरिंग में जो हेड ऑफ फैमिली भी खुद आया, उन्होंने खुद सभी हाउस होल्ड का ऑफ ऑल द 5 विलेजेस ऑफ कोरा सर्कल साइन भी किया है, और साथ में उनका अपना जो भी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड भी है या वोटर्स आईडी कार्ड है, वो सब भी साथ में यहाँ पे जेरोक्स करके वो लोग ने अटैच किया और सेल्फ साइन भी किया हुआ है, और किसी का ड्यूरेस में आके वो कमिटी रिपोर्ट बिल्कुल बायस नहीं है। आज थोड़ा देर पहले निरोंग इरिंग जी ने भी जो कहा कि शायद अभी सोशल मीडिया में इसको कम्युनल एंगल देने का लोग काफ़ी कोशिश कर रहा है, तो हमें भी रिपोर्ट मिला है कि कोई लोग इसमें कम्युनल एंगल दे के और विद इन द लेजिस्लेटर्स को भी अपना बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए इस तरह से एक तो षड्यंत्र एक रचा रहा है, ये अपना
कम्युनिटी के लिए और अपना स्टेट का यूनिटी के लिए ये अच्छा बात बिल्कुल नहीं है। मैं आज ही अपना होम डिपार्टमेंट को, मैं विजिलेंस टीम को मैं एक्टिवेट कर दूंगा कि सोशल मीडिया में इस प्रकार से जो भी कम्युनल लाइन में लोगों को उकसाता है उसको हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे, चाहे वो जो भी हो। एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है कैबिनेट में आ गया, कैबिनेट जो बैठक हुआ है 23 फरवरी 2022, इसी साल का 23 फरवरी को कैबिनेट में बैठक हुआ है, जिसमें हम लोग ने इन टोटो जो, क्योंकि जो हागे तारीख का जो कमिटी का जो रिपोर्ट है उसको हम लोग ने इन टोटो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक पब्लिक हियरिंग था। तो हम लोग देखिए डेमोक्रेसी सेटअप जो हम लोग का लोकतंत्र है उसमें मेन चीज़ है पब्लिक क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहता है उसी के लिए तो आज हम लोग सदन में बैठा हुआ है, और हम लोग भी सदन में बैठा हुआ है मेजोरिटी वोट लेके, जो जीत के आता है वो वही तो इस सदन में आता है। तो उसी को देखते हुए वहाँ में कोरा सर्कल में जो 5 जो गांव है, क्योंकि हर एक गांव का अपना एक इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी है, तो हर एक गांव का जो एवरेज लेके जो देखा तो इसमें कुल मिला के कोरा सर्कल में 5 विलेज है। एक है सिदो, तेने, कोरा या कोरंग, इसके बाद माने और लिपिन। तो सीधो का जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड है वो 16 है, और जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है उन्होंने प्रेफरेंस दिया है कि 16 का 16 पूरा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बैठना चाहता है। दूसरा विलेज है तेने, इसमें 4 हाउस होल्ड है और चारों का 4 हाउस होल्ड ने प्रेफरेंस दिया है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तीसरा में है कोरा बोलिए या कोरंग बोलिए, इसमें 27 हाउस होल्ड है, 27 में से 19 दे हैव ऑप्टेड टू स्टे इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर सियांग में 8 विलेज। और चौथा विलेज है माने, माने में है 22 हाउस होल्ड, 22 हाउस होल्ड में ईस्ट सियांग के लिए ऑप्ट किया केवल 2 ही ने और बाकी 20 ने लोअर सियांग के लिए। और पांचवा जो गांव है वो है लिपिन, लिपिन में कुल मिला के 9 हाउस होल्ड है और 9 का 9 हाउस होल्ड पूरा ने लोअर सियांग में बैठने का उन लोग ने अपना इच्छा बताया। तो इसमें कुल मिला के गाँव वाइज अगर हम लोग देखें तो मेजोरिटी देखने से सीधो जो है ईस्ट सियांग में होगा, तेने जो है लोअर सियांग में, कोरा और कोरंग जो ईस्ट सियांग में, माने और लिपिन जो है वो लोअर सियांग में। तो कोरा सर्कल में से 2 गांव जो है एज पर द कमिटी रिपोर्ट सीधो एंड कोरा कोरंग जो है वो, ये 2 गांव जो है वो ईस्ट सियांग में जाना चाहता है, तेने माने और लिपिन ये जो अपना लोअर सियांग में बैठना चाहता है। तो हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट जब बनाते हैं तो एक चीज़ तो ये बड़ा क्लियरिटी के साथ मैं बताना चाहेगा ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब आपके माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन जब होता है तो हम लोगों का ट्राइब वाइज देख के इतनी सिटी उसको देखते हुए हम लोग डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाता है। डिस्ट्रिक्ट बनाता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मुताबिक से ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हम लोग करते हैं, चाहे सर्किल क्रिएट करो या जो भी SDO ऑफिस या जो भी क्रिएट करो उसका अपना, ताकि सरकार का जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचने के लिए। अभी किसका ज़मीन है किसका ज़मीन नहीं है ये सरकार थोड़ी ना ये तय करेगा, जिसका भी ज़मीन हो आप लोग पोर्ट में आप लोग जा सकते हैं जिसका भी ज़मीन हो। तो अभी सरकार जो है हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट मेन है इशू, डेवलपमेंट करना चाहता है, और जो ये वैक्स इशू पिछले 10 साल से जो पड़ा हुआ है हमारा लोअर सियांग के, खास करके लोअर सियांग के लोग, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग, नॉट ओनली ऑफ दिस कोरा सर्कल बट एंटायर डिस्ट्रिक्ट पिछले 10 साल से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट अच्छा से फंक्शन हो नहीं पा रहा है, वहाँ पे HODs का वहाँ पे कुछ वहाँ पे ठिकाना नहीं है, पोस्टेड आउट पूरा HODs अभी पहुँचा भी नहीं है वहाँ पे, तो 10 साल से सफ़र कर रहा है। हम लोग का मेन इच्छा तो है कि डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ में थोड़ी ना इंडिया या पाकिस्तान का बाग बट्टी हो रहा है जो हम लोग इतना फ्लेयर अप कर रहे हैं चीज़ों को, बैठना तो एक ही जगह में बैठना है, सब अपना ही तो खानदान लोग है सब वहाँ, तो एक ही जगह में बैठना है तो डिस्ट्रिक्ट की तो बात है अभी तो, और डिस्ट्रिक्ट भी तो इस प्रकार से अभी हम लोग ने ये जो गांव का है कोरा सर्कल को बांटा है वो भी अपना पब्लिक का पूरा इच्छा को बोलते हुए, वो लोग हेड ऑफ द फैमिली खुद आके बोला है कि हमको फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में बैठना है, वो ट्रांसपेरेंटली इस कमिटी ने इस सर्वे को कंडक्ट किया हुआ है। सो ऑन रिकॉर्ड आई मस्ट थैंक द कमिटी मेंबर्स, द 3 मेंबर्स हेडेड बाय द हागे तारी,
उनके जो मेहनत किया है बहुत अच्छा से मेहनत किया है, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में उस ऑफिसर और पूरा टीम को भी हम थैंक्स देते हैं। अभी देखिए कि हम लोगों का मेन जो है, हम लोगों का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रकार से हम लोग ने अभी जो हेडक्वार्टर है उसको भी सीजी में हम लोग ने फाइनल कर दिया है। और सीजी में जो फाइनलाइज किया तो पूरा कैबिनेट का भी वही व्यू था कि सीजी जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा और सबके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। और मैं भी सीजी जब मैं बसर जा रहा था तो मैं ऑन वे सीजी में भी रुक के भी देखा, पिकली भी मैं देखा वहाँ से कि सीजी जो है एक अच्छा जगह है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने लायक है। मगर ये कहते हुए खास करके अपना जो किंतुरीना साहब है, जो नारी कोयू के विधायक है, उनका जो चिंता है बिल्कुल वो बहुत ही जेन्युइन चिंता है, क्योंकि सीजी में हेडक्वार्टर करने से उनका क्षेत्र के कुछ गांव काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। मगर मैं अपना ऑनरेबल मेंबर किंतुरीना साहब को आपको वादा करता हूँ, आज आपने जो तीन पॉइंट जो यहाँ पे जो रखा है, एक जो है कि आपका एक सीजी से लेके अपना शायद कनेक्टिविटी के बारे में आप 30-35 किलोमीटर रोड के लिए जो मांग कर रहा था, आने वाला दिनों में मैं ज़रूर आपके लिए इस रोड को भी हम आपको ज़रूर हम सेंक्शन करके देंगे। और साथ ही साथ दो एडिशनल पॉइंट जो है कि कुछ डिपार्टमेंट्स आपने यहाँ पे मांग रखा है, एग्रीकल्चर, WRD और RWD, ये तीन डिपार्टमेंट को शायद आपने उस तरफ नारी साइड में आपने नारी साइड में प्रपोज किया है, और ADC नारी को भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का तौर पे देने के लिए जो कहा है, ये सब चीज़ तो अपना असेंबली में चर्चा करने का जरूरत नहीं है, ये तो अपना एग्जीक्यूटिव डिसीजन कैबिनेट डिसीजन से भी ये सब हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग भी पूरा एश्योर करते हैं कि आपका जो डिमांड है ये तीन डिमांड को हम जरूर करेंगे। और बाकी जो है अपना लोअर सियांग जो है काफ़ी पोटेंशियल एरिया है, चाहे वो टूरिज्म क्षेत्र में हो या एग्रीकल्चर एलाइड क्षेत्र में हो, अच्छा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें ये ज़रूर यकीन है कि आज इस जो बिल जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो यहाँ पे प्रपोज किया है, इसको हम सब मिल के पास कर देना चाहिए, एंड द पीपल ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट उनको अभी डेवलपमेंट का जो रास्ता में उनको अभी चलने का टाइम आ गया है। ये काफ़ी देर से बहुत लोग ने इसको कम्युनल लाइन में लेके जाने के लिए बहुत लोग ने ट्राई किया है, मगर मैं किसी कम्युनल अथॉरिटी के अंदर में मैं झुकता नहीं हूँ। जो भी लोगों का विकास के लिए, डेवलपमेंट का विकास के लिए है, उसको हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाना है। आज मैं हमारा दोनों MLA साहब जो उस डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं, अपना करदो निग्योर जी और किंतुरीना जी, आप दोनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ास करके अपना लोअर सियांग के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि इतना जो वेस्ट करीबन 10 साल से जो इतना पुराना इश्यूज जो अनरिजॉल्व होके बैठा था, आज फाइनली अभी रिजॉल्व होने जा रहा है। और सरकार की ओर से मैं आप सबको वादा देता हूँ इस अगस्त हाउस में कि हम लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी जल्द से जल्द हम डेवलपमेंट का सरकार से जो भी सपोर्ट देना हो हम लोग जल्द से जल्द देके उसको हम लोग डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे। तो विद दिस मैं सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बिल को पास किया जाए। धन्यवाद।